अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बीए इंग्लिश पार्ट टू, लेसन नंबर सिक्स, वॉकिंग ऑन द मून, रिटन बाय डेविड आर स्कॉट। हिज फुल नेम इज डेविड रेंडोल्फ स्कॉट। ही वॉज बॉर्न ऑन 6th June 1932 एंड ही इज स्टिल अलाइव। ही वॉज एन अमेरिकन इंजीनियर, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, former test pilot and former NASA astronaut. Astronaut जो खलाबाज होता है उसको कहते हैं। He graduated from United States Military Academy and became an astronaut. He retired as a colonel. David R. Scott तीन दफा he went to space. First time he went to the space in 1969, but 2 years later he went on to another expedition, and this was a mission to the moon in 1971. He made this historic moment with his fellow James Irwin and Alfred Warden. ये दो दूसरे एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो भी इसके साथ थे जब ये चांद पर विजिट करने के लिए गए। ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन राइटर का है। इसका फुल नेम आपने जहन में रखना है, फिर इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जहन में रखनी है, फिर इसके तीन डिफरेंट ये मिशंस पर जो है वो स्पेस में गया। वॉकिंग ऑन द मून जो ऐसे है ये बेसिकली ये बड़ा ही साइंटिफिक अहमियत का हामिल है, और इसमें हमें इंसान का और चाँद का एक रिलेशन बताया जाता है, और किस तरह इंसान ने पहली दफ़ा उस मिशन पे गए और वहाँ पर चाँद की जो सतह थी उस पर कदम रखा, और क्या चीज़ें, पूरा एक एक्सपीरियंस जो था ये राइटर बयान करते हैं। क्योंकि राइटर ख़ुद जो है वो इस मिशन का हिस्सा थे, तो ही प्रेजेंटेड एन आई विटनेस अकाउंट बड़ी ही अथॉरिटी के साथ जो है ये सारा एक्सपीरियंस वो बयान करते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर दैट ही वाज वन ऑफ द थ्री एस्ट्रोनॉट्स हु वर सेंट ऑन अपोलो 15 मिशन टू द मून। ये उस मिशन का नाम था, उस मुहिम का नाम था अपोलो 15। आपने याद रखना है they entered the lunar orbit on July 29, 1971 को वो जो है वो चांद के मदार में दाखिल हुए, and they returned to earth on 7th August 1971. they stayed on the moon for 67 hours 67 घंटे गुजारने के बाद ये जो मिशन था ये वापस 7 अगस्त 1971 को वापस आया। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 8 दिन बनते हैं। ये पूरा मिशन जो कंप्लीट करने में तकरीबन ये 8 दिन बनते हैं, लेकिन जो चांद की सतह पर जो उन्होंने वक्त गुजारा वो 67 घंटे है 67। चूँकि जो राइटर है ये खुद पायलट था, तो ये अपना पूरा एक्सपीरियंस हमें बयान करते हुए बताता है कि 60 फीट अबव द मून द ब्लास्ट ऑफ द सिंगल रॉकेट चर्न्स अप अ ग्रे ट्यूमुलस ऑफ लूनर। ये लूनर जो है ये चांद से रिलेटेड है। जैसे आपने सोलर इक्लिप्स का एक लेसन पढ़ा था, सोलर जो है वो सूरज के रिलेटेड है, और लूनर जो है ये इसका ताल्लुक चांद से पाया जाता है। राइटर हमें बताता है कि तकरीबन 8 साल की 8 years ट्रेनिंग इन लूनर जियोलॉजी, कहते हैं चांद की सतह और चांद की साख्त के बारे में तकरीबन उसके 8 साल की जो है वो ट्रेनिंग थी, तो वो चांद के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो जानता था। और फिर हमें बताता है कि कहाँ पर उसका जो ये जो स्पेसशिप थी, जो लूनर मॉड्यूल था, ये कहाँ पर उतरा। ये बताता है कि हज़ारों साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, वहाँ पर जो चांद है उसकी जगह पर एक गढ़ा सा बना। उस गढ़े के किनारे जो है
इनकी वो जो लूनर मॉड्यूल था वो उतरा वहाँ पे, और उसका नाम जो दिया गया है वो है मेयर इम्ब्रियम, ये याद रखिएगा। स्ट्रेचिज अक्रॉस द फेस ऑफ द मून फॉर सम 50 miles, यानी 50 मील तक का वो एक पूरा एक एरिया है। अच्छा, वहाँ पे जब जो लूनर ऑर्बिट था, इन्होंने उसके तकरीबन 12 चक्कर जो थे वो लगाए थे। दे मेड 12 रेवोल्यूशंस इन द लूनर ऑर्बिट बिफोर दे लैंडेड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, ये भी फैक्ट आपने याद रखना है। फिर व्हेन दे लैंडेड ऑन द एज ऑफ वास्ट प्लेन कॉल्ड मेयर इम्ब्रियम, व्हाट हैपन्ड दैट उन्होंने एक अपने साथ जो है वो बैटरी ड्रिवन एक रोवर जीप भी थी उनके पास, और दे ट्रैवल्ड ओवर द सर्फेस ऑफ द मून, जिसको वो यूज़ करते थे वहाँ पे ट्रैवलिंग करने के लिए, वो जीप रोवर जीप, जैसे हमारे यहाँ लैंड रोवर जीपें हैं, इस तरह वहाँ पे वो अपने साथ एक लेकर गए थे। दे कलेक्टेड डिफरेंट डेटा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून, देर वॉज एंड दे टोल्ड अस के वहाँ पे देर इज एब्सोल्युटली नो ऑक्सीजन, नो एयर, नो वाटर, नो क्लाउड्स, नो ट्रीज, यानी कुछ भी वहाँ पर नहीं है। फिर हम की जो सरफेस है उसके बारे में बात करते हैं कि बिल्कुल बंजर है और बिल्कुल मैदान सा, उसमें थोड़ी बहुत खाइयाँ वगैरह हैं, कुछ वहाँ पर कुछ चोटियाँ, पहाड़ वगैरह छोटे छोटे जो हैं वो मौजूद हैं, और राइटर को वो जो है वो एक ज़मीनी पहाड़ वगैरह वो उसको याद दिला रहे थे। इस पर वो काफ़ी डिटेल से जो है वो बात करता है। आपने यूँ करना है कि इसका कुछ टेक्स्ट जो है वो गो थ्रू कीजिएगा आप लोग, ताकि और बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको मिले। राइटर कहता है कि एवरीथिंग सीम्ड स्टिल एंड अनडिस्टर्ब्ड, क्योंकि जब हवा नहीं है तो हर एक चीज़ वहाँ पर बिल्कुल साकन है, और कोई चीज़ इवन उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं, और शायद टू डेट आज तक जो है वहाँ पर महफूज हैं। फिर हमें बताता है कि ईच मून डे एंड नाइट वॉज इक्वल टू 355 अर्थ आवर्स, कि जो चांद का जो दिन है और जो रात है वो हमारे ज़मीनी 355 घंटों के बराबर है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि जब हमारा मून साइटिंग होती है, और चांद जो है 14वीं का चांद, और हम कहते हैं कि पहली चांद की आज पहली है, इस तरह मतलब वो लूनर जो हमारा कैलेंडर है वो बेसिकली बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। फिर हमें बताता है कि जो स्पेस सूट था उसमें इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी पुल, बिकॉज इट वहाँ पे इतना ग्रेविटी जो कच्ची शक्ल है वो नहीं थी इतनी, तो इस वजह से इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू वॉक ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। फिर एंड पर हमें राइटर बताता है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो वहाँ पर वो छोड़ के आए, जब 67 आवर्स का जो ड्यूरेशन था वो चांद की सतह पर उन्होंने गुजारा, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना उन्होंने कलेक्ट की, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर वो छोड़ आए थे। एज अ प्रूफ ऑफ देयर विजिट दे लेफ्ट ऑन द मून अ फाल्कन फैदर, उन्होंने उकाब का जो है वो एक पर वहाँ पे छोड़ के आए। फिर कुछ क्लोवर फ्लावर्स वो वहाँ पे छोड़ के आए। फिर द बाइबल, उनकी जो होली स्क्रिप्चर्स है ये क्रिश्चियंस की, वो बाइबल वहाँ पर छोड़ के आए। और फिर वहाँ पे द इमेज ऑफ अ मैन इन स्पेस सूट एंड देयर क्लोवर जीप, और अपनी जो जीप वगैरह थी वो भी वहाँ पर छोड़ के आए। फिर वहाँ पर उन्होंने एक धात की तख्ती पर जो है वो तकरीबन 14 स्पेसमैन, जिसमें रशियंस थे एंड अमेरिकन्स थे, ये 14 जो है रूसी और अमरीकी जो खलाबाज थे, उनके नाम भी वहाँ पर एक तख्ती पर लिख के छोड़ के आए, जिन्होंने अपनी जानें जो थी वो चांद पर पहुँचने के लिए या चांद के मिशन के लिए जो है ना वो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी। राइटर लिखता है कि वो लीव अ पीस ऑफ फौना
अ फैल्कन फैदर, यानी तमाम जानवरों का जो नुमाइंदा है एक बाज, उसका पर वो छोड़ के आए। एंड ऑफ फ्लोरा, और कुछ जो है नबातात, कुछ जो है फूल वगैरह, अ फोर लीव क्लोवर, वो जो है वो चार पत्तियों वाला एक अमरीकी घास जो है, क्लोवर उसको बोलते हैं, वो वहाँ पे छोड़ के आए। एंड पर जो राइटर है वो बात करता है कि हीव्स दैट मैंस विजिट टू द मून इन इज हिज फर्स्ट स्टेप और स्ट्रगल टू कंकर द डेप्थ ऑफ स्पेस, के खला को तस्खीर करने के लिए, उसको कंकर करने के लिए जो इंसान का जो पहला ये मिशन था चांद की तरफ, ये उसकी तरफ एक पहला कदम था बेसिकली। आज हम देखते हैं कि इन 1971 से लेकर आज तक जो है वो साइंस और हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। एट द एंड राइटर राइट्स, और मिशन एंड्स इन फटीक एंड इलेशन, यानी थकावट भी थी और खुशी भी थी जब हमारा ये मिशन कंप्लीट हुआ। अमेजिंग एक्सेस हैज़ रिवार्डेड द फर्स्ट एक्सटेंडेड साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू द मून आफ्टर डीब्रीफिंग एंड हेल्पिंग इन द एनालिसिस ऑफ आवर फाइंडिंग्स आवर क्रू डिस्पैंड्स। कहते हैं सारा कुछ करने के बाद हमारा जो क्रू था, जो अमला था, वो इस तरह मुंतशिर हुआ। आगे लिखता है कि नाउ टू ईयर्स लेटर, यानी दो साल बाद जो है जो इस मिशन के इसने ये ऐसे लिखा, नाउ टू ईयर्स लेटर आई कंटिन्यू टू वर्क इन द लैंडन बी जॉनसन स्पेस सेंटर नियर हाउस्टन, ये याद रखिएगा, नियर हाउस्टन अमेरिका में। फ्रीक्वेंटली आई रिफ्लेक्ट अपॉन दोज थ्री मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ माई लाइफ, वो जो तीन दिन वहाँ पे उसने गुजारे 67 जो आवर्स था चांद की सतह पे। ऑल्दो आई कैन रिकंस्ट्रक्ट दम वर्चुअली मोमेंट बाय मोमेंट, समटाइम्स आई कैन स्केसली बिलीव दैट आई हैव एक्चुअली वॉक्ड ऑन द मून। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि वाकई ही मैंने चांद की सतह पर जो है वो कदम रखा और वहाँ पर मैं चला। आई होप ये कुछ पॉइंट्स आपके जहन में रहेंगे। Wish you best of luck. Take care.